हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का 8वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज क्यों ना हम इसे अच्छे से पढ़ें, स्थानीय शासन किसे कहते हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि स्थानीय शासन किसे कहते हैं, इसके लाभ बताइए, अथवा स्थानीय शासन का क्या अर्थ है, स्थानीय शासन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हमें पढ़ना है कि स्थानीय शासन गांव और जिला स्तर के शासन को हम क्या कहते हैं, स्थानीय शासन। आपको याद रखना है कि गांव और जिला स्तर के शासन को क्या कहते हैं, स्थानीय शासन कहते हैं। किसी स्थान पर रहने वाले लोग स्थानीय संस्थाओं के द्वारा ही अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। आपको यहाँ से ध्यान से सुनना है कि किसी स्थान पर रहने वाले लोग, किसी भी स्थान पर वो रहते हैं, लेकिन जो स्थानीय संस्थाओं के जो द्वारा जो समस्याएं जो उत्पन्न होती है उसका समाधान वही लोग करते हैं। गांव में पंचायत, जैसे हम बात कर रहे हैं कि गांव में पंचायत, और शहरों में क्या पाई जाती है, नगर पालिका। अब हम बात करते हैं कि गांव में कोई भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है, खेत बधार को लेकर लड़ाइयाँ होती है, मेड़ को लेकर लड़ाइयाँ होती है, तो गांव में पंचायतें बुलाई जाती है। गांव का जो सरपंच मुखिया होता है वो सारे काम को अच्छे तरीके से, या कह सकते हैं बखूबी तौर से वो कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि शहरों में क्या पाई जाती है, नगर पालिका। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि स्थानीय शासन के कुछ अलग उदाहरण है, जैसे हम यहाँ पे ध्यान से इसे समझते हैं। लाभ और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो यह लोगों के सबसे ज्यादा निकट होता है। देखो, जो गांव होता है वो छोटा गांव होता है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये लोगों का जो सबसे ज्यादा क्या होता है, ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों, लोगों की ये सबसे ज्यादा निकट होते हैं। समस्याओं का जो समाधान है बड़ी जल्दी से इनको मिल जाता है, तो समस्याओं का शीघ्र ही समाधान हो जाता है। समस्याओं का समाधान करने में खर्च कम होता है। अगर हम बात करते हैं कि नगर पालिकाओं में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन गांव में देखा जाए तो जो खर्च होता है बहुत ही कम लगता है। स्थानीय शासन में लोगों को स्वयं अपने कार्यों के प्रबंध करने का भी मौका मिल जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों, कि स्थानीय शासन में लोगों को स्वयं अपने कार्य करने के प्रबंधन का मौका मिल जाता है, वो स्वयं कार्य भी करते हैं और छोटी मोटी जो समस्याएं होती है उसको भी ये खत्म कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्थानीय संस्थाओं से राज्य सरकार का कार्यभार हल्का होता है। जो राज्य जो सरकार होती है वो राज्य के लिए क्या करती है, नीति निर्देशक तत्व के अनुसार नियम कायदे कानून भी बनाती है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, आपको ये याद रखना है। लेकिन जो सरकार होती है वो व्यक्ति के मूल अधिकारों को देखते हुए भी नियम कायदे कानून को बनाती है। लेकिन हम बात करते हैं कि स्थानीय शासन में अगर देखा जाए तो लोगों से ज़्यादा ये पूछते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कार्य करने चाहिए, जैसे कि नहरें बांध बनवाना, नहरें हो, सड़कें हो, लाइटें लगवाना हो, तो ये छोटे मोटे जो काम होते हैं तो राज्य की जो सरकारें होती है वो स्थानीय शासनों से पूछ पूछ कर करती है, इसीलिए इनका जो कार्यभार होता है बिल्कुल हल्का हो जाता है। अगर देखा जाए तो स्थानीय शासन में लोकतंत्र भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ऊपर वाली लाइन में क्या बोला गया है कि राज्य जो सरकार का जो कार्यभार होता है वो हल्का हो जाता है, क्योंकि गांव के लोग अगर कहेंगे कि हमारे गांव में सड़कें बना दी जाए, स्कूलें बना दी जाए, बहुत सारी व्यवस्थाओं को लागू कर देने से क्या होगा कि सरकार का जो कार्यभार होगा वो धीरे धीरे हल्का होगा, क्योंकि स्थानीय शासन के ऊपर ये जिम्मा आ जाता है और वो अगर देखा जाए तो वो बखूबी तौर से अपने कार्य को अच्छे तरीके से कम्प्लीट भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई गई है, जो कि अभी आपको मैंने सब चीज़ें बता दी है। अब हम बात करते हैं कि पंचायती राज के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो भारत में पंचायतों की व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही ये जो प्रथाएं हैं पंचायती राज व्यवस्था, तो ये प्राचीन काल से ही चलते आ रही है। जैसे हम बात करते हैं कि प्राचीन काल में गांव के पंच प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पंच कहा जाता था। पांच जो व्यक्ति होते थे उनको क्या कहा जाता था, पंच कहा जाता था। ये पंच ही गाँव के निर्णय लेने में भागीदारी होते थे, और ये देखा जाए तो गांव की हर एक समस्याओं का क्या करते थे, समाधान करते थे। यह जो लोग हैं ये निर्णय लेते थे और वह सर्वमान्य होते थे। जो भी ये निर्णय लेते थे ना, वो सबसे पहले इन्हीं के द्वारा लिया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बड़ी योजनाओं का लाभ निम्न स्तर तक पहुंचाने के लिए, आपको याद रखना है कि भाई जब देश आजाद हो गया तो बड़ी योजनाओं का जो लाभ था वो निम्न स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्न स्तर पर भी छोटे छोटे संस्थाओं का निर्माण किया गया। ये संस्थाएं मिलकर क्या करना चाहती थी कि निम्न स्तरों तक उनके कार्य को अच्छे तरीके से करना था, उनके लिए फैसिलिटी देना था। यानी हम बात करते हैं हमारे गांव में पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो इसलिए भारत में पंचायतों की व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। आइए प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं पंचायती राज
पंचायती राज के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गांव का विकास करना, गांव को आत्मनिर्भर बनाना। तो हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य क्या है, या कह सकते हैं कि भाई ये कार्य कैसे करेगा। तो ये गांव का विकास करना चाहते हैं, यानी इसमें प्यारे बच्चों आपको ध्यान से सुनना है कि इसमें गांव का विकास करने की बात कही गई है। गांव का तभी विकास संभव है जब सड़कें, नालियां, लाइट, स्कूल, स्वच्छ पानी, ये सारी चीजें धीरे धीरे उपलब्ध होगी ना, तो गांव धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। जब गांव मजबूत होगा तो राज्य मजबूत हो जाएगा, जब राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, तब जाके हमारा जो देश बनेगा आत्मनिर्भर भारत बनेगा। गांव वालों को अनेक अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान कराना भी है। तो देखा जाए प्यारे बच्चों, तो गांव वाले लोग यानी गांव के लोगों को संविधान के अनुसार उनको अधिकारों के बारे में पढ़ाना है, अधिकारों के बारे में उनको बताना है, कर्तव्यों का ज्ञान कराना है। और देखा जाए तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए कि गांव की समस्याओं का जो समाधान करना क्या है, गांव की आवश्यकताओं को पूरा करना। देखो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, गांव में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या का समाधान पंच यानी सरपंच या कह सकते हैं कि भाई मुखिया ही उस समाधान को अच्छे तरीके से करता है। और गांव की जो जो आवश्यकताओं को पूरा करना होता है ये सारे काम किसके अंतर्गत आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए ये छोटी छोटी चीजें। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि भारत में स्थानीय शासन के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। भारत में स्थानीय शासन का विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे हुआ था। तो देखा जाए कि भारत में जो स्थानीय जो शासन था इसका जो विकास था ना समय के साथ धीरे 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 चल रहा था। इसके निम्नलिखित तरीके हैं, जैसे हम समझ सकते हैं यहाँ पे देखकर कि सबसे पहले स्थानीय शासन की शुरुआत किसने की थी, 1882 में लॉर्ड रिबन ने की थी। ये एक अंग्रेजी अधिकारी थे और उस समय मुकामी बोर्ड कहा जाता था। आपको याद रखना है कि स्थानीय शासन को क्या कहा जाता था, मुकामी बोर्ड कहा जाता था। और 1919 में और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राज्यों में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों कि जब एक अंग्रेजी अधिकारी लॉर्ड रिबन के समय से अगर देखा जाए तो स्थानीय शासन की शुरुआत हुई, तो ये हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा कि अगर गांव धीरे धीरे विकसित होगा तो राज्य विकसित होगा, राज्य विकसित होगा तो देश विकसित होगा, तब जाके हमारा भारत क्या बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो जैसा कि प्यारे बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भारत में स्थानीय शासन का जो विषय है वो किसको सौंप दिया गया है, राज्यों को सौंप दिया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ध्यान से सुनना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन किया गया है। देखो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व तो होता है, नीति का मतलब नियम कायदे कानून। अब नियम कायदे कानूनों को वो कहाँ लागू करेगा, अपने राज्य में लागू करेगा, लेकिन व्यक्ति के मूल अधिकारों को देखते हुए, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व तो और मौलिक अधिकारों में काफी हद तक वाद विवाद पाया गया है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि नीति निर्देशक जो तत्व होता है वो वाद योग्य नहीं होता, लेकिन मूल अधिकार वाद योग्य हैं। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता तो आप सीधा कहां जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में ये कहा गया है कि सरकार अपने कोई भी कार्य करती है तो वो अपने ऊपर अगर सरकार नीति निर्देशक तत्व के तहत नियमों और कायदे कानूनों को लागू कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हर एक गांव में कह सकते हैं कि पेंशन की जो सुविधाएं होती है वो राज्य की सरकार द्वारा दी जाती है। एक और एग्जांपल के तहत मैं आपको समझा देता हूं कि उत्तर प्रदेश में पहले पेंशन की सारी सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन जैसे ही योगी जी की सरकार बनी यानी जैसे ही योगी जी आए उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं पेंशन की सारी सुविधाओं को उन्होंने बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि राज्य की जो नीति निर्देशक जो तत्व है वो कहीं ना कहीं नियमों और कायदे कानूनों को लागू कर सकती है और नहीं भी कर सकती। अब गाँव के जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि भाई पेंशन की सुविधा आए, गौ पशुपालन के नियम कायदे कानून बने, गौ हत्या पे रोक लगे, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। तो आगे हम बात करते हैं कि राज्य सरकारों की इच्छा पर ये निर्भर करता है कि वह इसे लागू करे या ना करे। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्या हुआ कि जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो प्यारे बच्चों मैं आगे आपको ये पढ़ाऊंगा कि पंचायती राज व्यवस्था किसे कहते हैं, यानी तीन स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को देखा गया है। तो हम आगे पढ़ेंगे, जल्दी समझ आ जाएगा।
1960 में गुजरात महाराष्ट्र में निर्वाचन द्वारा बनी स्थानीय संस्थाओं की प्रणाली को अपनाई गई, और 1952 में 73 और 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय शासन की कमियों को दूर करने के लिए यह संस्था बनाई गई थी। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ऊपर वाली लाइन में क्या कहा गया कि 1960 में गुजरात महाराष्ट्र में निर्वाचन द्वारा स्थानीय संस्थाओं की एक प्रणाली को अपनाया गया था, और उसके बाद क्या हुआ, 1952 में 73 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय शासन की कमियों को दूर करने के लिए एक संस्था बना दी गई। अब देखो 73वां जो संशोधन है इसमें गांव से रिलेटेड है, और 74वां जो संशोधन है इसमें क्या है, नगरों से रिलेटेड है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे, जल्दी समझ आ जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं 73वें संशोधन का जो संबंध है वो किससे है, ग्रामीण संस्थाओं से है, और 74वें का शहरी स्थानीय संस्थाओं से है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो प्यार बच्चों हम बात करते हैं कि स्थानीय शासन पर गांधी जी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। स्थानीय शासन पर महात्मा गांधी के विचार, गांधी जी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे। विकेंद्रीकरण के लिए वे पंचायतों को मजबूत बनाना चाहते थे, और विकास के कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी चाहते थे। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया कि जो विकास का जो कार्यक्रम होगा वो स्थानीय जो लोग होंगे ना इसमें भाग लें, क्योंकि वो अपने गांव को विकसित करना चाहते हैं या गांव को विकास में लाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर अगर भाग लेंगे, जैसे नहरों की खुदाई कहाँ करनी है, सड़कें कहाँ बनानी है, बल्ब कहाँ लगानी है, स्कूल की स्थापना कहाँ करनी है, तो ये सारे जो काम होंगे छोटे मोटे जो काम होंगे, तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए इसमें। और महात्मा गांधी प्रत्येक गांव को क्या बनाना चाहते थे, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, और अपने मामलों में स्वयं निपटने के योग्य बनाना चाहते थे। अगर कोई गांव में समस्या कोई उत्पन्न होती है तो वहां के पंच सरपंच मुखिया का कर्तव्य बनता है कि उस सारे गांव में लोगों की देखरेख करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, यानी हम बात कर रहे हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसको लागू करने के तरीकों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। आपको इतना समझना है कि विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में, यानी अलग अलग क्षेत्रों में ये नियम कायदे कानून होने चाहिए, जो महात्मा गांधी जी के विचार थे। स्वतंत्र भारत के संविधान में स्थानीय शासन को ज्यादा महत्व ना देने के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आपको ध्यान से सुनना है, अथवा नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर दोनों स्थानीय शासन को लेकर विशेष उत्साहित नहीं थे। क्यों नहीं उत्साहित थे, इसका क्या कारण था, तो इसे हम समझेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या स्थानीय शासन को लेकर उनकी आपत्तियां एक समान थी। तो आइए देखते हैं, स्वतंत्र भारत के संविधान में स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया था। आपको याद रखना है भाई कि स्वतंत्र भारत के संविधान में स्थानीय शासन की जितने भी जो सूची होंगे उसको कहाँ रखा जाएगा, राज्य की सूची में रखा जाएगा। इसका वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि उसे लागू करें या ना करें, यह उनके ऊपर डिपेंड करता है। भारत में स्वतंत्रता और बंटवारे के बाद अगर देखा जाए तो अनेकों समस्याएं पैदा हो गई थी, जैसे विस्थापन की समस्याएं, पुनर्वास की समस्याएं, एकता अखंडता की समस्या, रियासतों की समस्या। इन सभी समस्याओं का समाधान केवल एक ही शक्तिशाली केंद्र द्वारा हो सकता था, ना कि विकेंद्रीकरण के द्वारा हो सकता था। नेहरू अंबेडकर दोनों स्थानीय शासन को लेकर विशेष उत्साहित नहीं थे। तो प्यारे बच्चों ऊपर वाली लाइन में आपको ध्यान से सुनना है कि भारत में स्वतंत्रता और बंटवारे के बाद, जैसे हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बंटवारे के समय में अगर देखा जाए तो अनेकों समस्याएं पैदा होने लगी। विस्थापन की प्रक्रिया देखा जाए तो पुनर्वास की समस्या, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्थानीय शासन को लेकर नेहरू जी और अंबेडकर जी विशेष उत्साहित नहीं थे। और एक चीज और ये कहना चाहते थे कि हम विकेंद्रीकरण के द्वारा अपने देश का विकास नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने कहा कि इन सारे समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में इतना पावर दे दो कि वो राज्य को भी चला सकता है और अपने देश को भी चला सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से सुनते हैं कि नेहरू अति स्थानीय को राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा मानते थे,
और जबकि देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार ग्रामीण समाज में जाति आपसी फूट और अन्य बुराइयों के कारण स्थानीय शासन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता था। देखो यहाँ पे दोनों के जो मत है वो अलग अलग है। नेहरू कहते हैं कि अति स्थानीय को राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा हो सकता है, और जबकि अम्बेडकर कहते हैं कि अगर हम ग्रामीण समाज में देखें तो जाति प्रथा पाई गई है, आपसी फूट पाया गया, उसमें अनेकों बुराइयां पाई गई है, इसलिए स्थानीय शासन का जो उद्देश्य वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाती है तो स्थानीय शासन मजबूत हो पाएगा और अच्छे तरीके से कार्य कर पाएगा और गांव मजबूत हो सकता है। बट ये सब चीजों को देखते हुए उन्होंने बताया कि भाई ये उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इस तरह स्थानीय शासन को लेकर दोनों की आपत्तियां अलग अलग थी। तो जैसा कि बच्चों अब हम 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें त्रिस्तरीय ढांचा को अपनाया गया है, यानी हम बात करते हैं यहाँ पे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत को अपनाया गया है। तो इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जिला पंचायत में जिले का पूरा क्या आता है? ग्रामीण इलाका आता है। आपको याद रखना है कि भाई जिला पंचायत में जिले का क्या आता है? पूरा ग्रामीण इलाका आता है। ग्राम सभा का निर्माण बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। प्रत्येक मतदाता ग्राम सभा का क्या होता है? सदस्य होता है, और ग्राम सभा की भूमिका और कार्यों के बारे में निर्णय प्रदेश यानी हम बात करें राज्य के कानून द्वारा किया जाएगा। अब आपको याद रखना है कि भाई चुनाव पंचायती राज संस्थाओं का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा होगा। आपको इसकी अवधि कितने वर्ष होती है? तो बच्चों आपको याद रखना है 5 वर्ष होती है। जैसे हम बात करते हैं कि गांव में मुखिया सरपंच, गांव में मुखिया का जब चुनाव होता है तो उसमें डायरेक्टली अगर देखा जाए तो जनता द्वारा किया जाता है। यदि सरकार 5 वर्ष से पहले पंचायत को क्या कर दे? भंग कर दे, तो समझ लेना कि भाई 6 महीने के अंतराल में फिर से नए चुनाव कराने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको यहाँ पे भंग लिखना है। आरक्षण, सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 यानी सभी संस्थाओं में याद रखना 1/3 सीटें जो होंगी वो किसके लिए आरक्षित की जाएगी? महिलाओं के लिए। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्याओं के अनुपात में सीटें आरक्षित होती है। राज्य सरकार पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण कर सकती है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों विषय का स्थानांतरण। राज्य सूची के 29 विषय को स्थानीय संस्थाओं में हस्तांतरित करने की व्यवस्था है। इसमें से कितने विषय स्थानीय शासन को देने हैं ये सिर्फ निर्णय कौन लेता है? राज्य की सरकार लेता है। राज्य चुनाव आयुक्त पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव क्या करेगा? आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, जिसकी जिम्मेदारी क्या होगी? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि राज्य वित्त आयोग क्या है? स्थानीय संस्थाओं को धन, यानी आपको याद रखना है जो राज्य जो सरकार होती है स्थानीय संस्थाओं को धन आवंटन करने के लिए और उनके वित्तीय क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य वित्तीय आयोग का प्रावधान करता है, ताकि धन का जो बंटवारा हो वह राजनीतिक मसला ना बन सके। प्यारे बच्चों जैसा कि हमें पढ़ना है 74वें संशोधन की व्यवस्था का वर्णन कीजिए, अथवा 74वें संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका या शहरी स्थानीय संस्थाओं का भी वर्णन कीजिए। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं, इसे अच्छे से समझते हैं। शहरी संस्था, शहरी स्थानीय संस्था संविधान के 74वें संशोधन का जो संबंध है वो शहरी स्थानीय संस्थाओं या नगर पालिकाओं से है। अब हम बात करते हैं कि भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा के लिए अलग अलग बातों को शामिल किया गया है। अगर देखा जाए तो कम से कम 5,000 जनसंख्या हो, कम से कम 75% से अधिक जनसंख्या खेती बाड़ी से अलग काम में लगी हो, जनसंख्या का जो घनत्व है कम से कम 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो, और 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत की 28% जो जनसंख्या वो शहरी इलाके में रहती है। तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों कि जो गांव से जो लोग होते हैं, जो खेती बाड़ी करने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि मौसम के आधार पर तो वो खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन जब उसमें से कुछ समय या कह सकते हैं कि महीने बच जाते हैं तो वो शहरों में आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी हम
शहरों में आ जाते हैं और उसके बाद वो काम भी करते हैं, और काम करने के बाद जितना भी वो पैसा कमाते हैं फिर वो वापस चले जाते हैं, फिर अपनी फसलों की कटाई भी करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे जो लोग होते हैं गाँव को छोड़कर धीरे धीरे वो शहरों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शहरों में वो सारी सुविधाएं पाई जाती है जो गाँव में नहीं पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे लिख लेना 74वें संशोधन को 73वें संशोधन का क्या कहा जाता है, दोहराव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 73वें संशोधन के समान प्रावधान है। जैसे प्रत्यक्ष जो चुनाव आरक्षण विषयों का जो हस्तांतरण होगा वो राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्तीय आयोग, परंतु 74वां जो संशोधन है वो शहरी इलाकों से संबंधित है और नगर पालिका के ऊपर लागू होता है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको त्रिस्तरीय आधार पर बांटा गया है। हम बात करते हैं ग्राम स्तर, खंड यानी ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं कि ग्राम स्तर पर पंचायतों की जो 3 संख्याएं होती है जो एक दूसरे के साथ क्या होती है, जुड़ी रहती है। जैसे हम बात करते हैं कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। जैसे कि प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि ब्लॉक या कह सकते हैं कि खंड स्तर पंचायती राज का दूसरा स्तर है, जो कुछ गांव को मिलाकर खंड या ब्लॉक का निर्माण किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कुछ गाँव को मिलाकर खंड या ब्लॉक का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक समिति होती या देखा जाए तो पंचायत समिति का गठन किया जाता है। और प्यारे बच्चों यहाँ देखते हैं जिला स्तर यानी पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर माना जाता है, क्योंकि जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए जिला परिषद की क्या की गई है, स्थापना की गई है। जिला परिषद विभिन्न ब्लॉक समितियों के बीच क्या करता है, आपसी तालमेल स्थापित करने का ये कार्य करता है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आज हमारा ये वीडियो अच्छे से कंप्लीट हो गया, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।